हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में पैरा कुक और पैरा हेल्पर के पदों के बारे में। तो दोस्तों, जल शक्ति विभाग देहरा में इन पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। पैरा कुक के 2 पद भरे जाएंगे और पैरा हेल्पर के 4 पद भरे जाएंगे। और ऑनरेनियम की बात की जाए तो 9,000 रुपये पर मंथ पैरा कुक को मिलेंगे और 5,500 रुपये पैरा हेल्पर को दिए जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन दोनों पदों के लिए 10th पास रखी गई है। और दोस्तों, अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जल्दी से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डेट रखी गई है 27 सितंबर। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट इसमें रखी गई है 18 से 45 वर्ष। तो आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट के अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं और साथ में अपने सभी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अटैच करना भी ज़रूरी है। और आवेदन अधिशासी अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न देहरा के ऑफिस 27 सितंबर से पहले पहुंच जाने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका लिंक हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम रोजगार सेवकों के पदों के बारे में। तो यहाँ देखिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार ग्राम रोजगार सेवकों के पदों को अधिसूचित किया गया है तथा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुक्रम जारी रखते हुए प्रदेश के ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के फलस्वरूप सरकार ने ये जो पत्र संख्या दी गई है के द्वारा दी गई सहमति अनुसार मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को सृजित करने तथा हिमाचल प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों के लिए अब ग्राम रोजगार सेवकों के कुल 1205 पदों को जिलावार व खंडवार संलग्न अनुबंध 1 के अनुसार आवंटित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। दोस्तों, ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों के पूर्व में सृजित 1081 पदों तथा नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए सृजित 124 पद अर्थात कुल 1205 पदों का विकास खंड बार आवंटन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ आप देख सकते हैं क्रम संख्या, जिला का नाम दिया गया है, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायतों की कुल संख्या दी गई है और साथ में ग्राम रोजगार सेवकों के स्वीकृत पदों की संख्या लास्ट वाले कॉलम में मेंशन की गई है।